भाजपा के विधायक गिरीश व्यास, इन्होंने अपने विधायक निधि से 50 लाख की सामग्री का वितरण नागपुर जिले के 10 तहसील में किया है। इस मौके पर राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े, 10 तहसील के डॉक्टर की टीम और कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना महामारी ने पूरे देश को, साथ ही राज्य को, साथ ही साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को झकझोर के रख दिया है। कोरोना में अधिकांश लोगों को कोरोना इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली थी, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई है। शासन प्रशासन द्वारा भले ही पर्याप्त व्यवस्था के दावे किए जा चुके हो, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि एक अनार और 100 बीमार जैसी कहावत चरितार्थ हुई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए विधान परिषद के सदस्य और भाजपा के राज्य प्रवक्ता विधायक गिरीश व्यास, इन्होंने अपनी विधायक निधि से तकरीबन 50 लाख की सामग्री तैयार की है, जिसमें मास्क, 50 फाउंटर पेड, आईवी स्टैंड पेड, 50 साइड लॉकर, सैनिटाइजर, बीएमडब्ल्यू पैक, ग्लव्स, कैडवर पैक आदि सामग्री तैयार करके तहसील को दी है। इस तहसील में खास तौर पर बिवापुर, उमरेड, कोही, नरखेड़, काटोल, कलमेश्वर, पार्शिनी, रामटेक, देवलापार, कामटी आदि गांव को सामग्री का वितरण राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के हाथों किया गया। विधान परिषद सदस्य और भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता गिरीश व्यास, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हम ऐसी जगहों पे खड़े हैं जहाँ पे कोविड 19 को लेके जहाँ पूरी दुनिया परेशान है, मरीजों के हाल हो रहे हैं, जरूरतमंदों को किट नहीं मिल रही है, ना कोई ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे समय में शहर के हालात बहुत ख़राब है। भले ही कोरोना का ग्राफ कम होने की बात तो ज़रूर कही जा रही है, मगर हकीकत तो यह है कि उस दिमक जैसा कोरोना है जो अभी भी पूरी तरह से निकला नहीं है। ऐसे में शहर के विधायक गिरीश व्यास हमारे साथ में है, जो तहसील 10 तहसील के 10 गाँव को ये पूरा सामग्री वितरित करने वाले है। आखिरकार ये क्या कामकाज करने वाले हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे गिरीश व्यास से। गिरीश जी, ये पता कि जिस तरह से आज आपने ये जो कामकाज किया है और तमाम नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील को ये जो सामग्री का वितरण कर रहे हो, ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कोरोना की दूसरी लहर जब शुरू हुई तब माननीय देवेंद्र जी और माननीय नितिन जी ने ग्रामीण की चिंता करने का विषय किया और हमको निर्देश दिया कि गाँव के अंदर जाकर समझना चाहिए कि वहाँ क्या आवश्यकता है। माननीय बावनकुड़े जी से अनुमति लेकर मैंने सारे विभागों की बैठक ली जी। और हर जगह मैं उस तहसील में जाकर आया, मैं वहाँ के तालुका स्थान पर गया, तहसीलदार को बुलाया, वहाँ के साथ में जिला रुग्णालय जहाँ जहाँ पर है उस सीएस के सारे प्रतिनिधियों को बुलाया, जो ग्रामीण रुग्णालय जिला परिषद के अंतर्गत उनको हमने बुलाया, हमारे पदाधिकारी और वहाँ के डॉक्टरों के साथ बैठकर चर्चा की और चर्चा करने के बाद वहाँ पर जो जो साहित्यों की कमी है, जिन जिन पैसों की उनको आवश्यकता है कि ये साहित्य चाहिए, हमने उसका विचार किया, उनसे प्रस्ताव मंगाया और प्रस्ताव मंगा कर हमने ये प्रस्ताव के अंतर्गत संबंध दिया। किन चीज़ों का असुविधाओं का अभाव दिखा आपको ग्रामीण परिसर में? देखिए, वैसे तो जो ये पेंडेमिक जो लहर आई, इस लहर के अंदर तो काफ़ी चीज़ों का अभाव वहाँ था। बेड उपलब्ध नहीं थे, स्टैंड नहीं थे आईवी के, ऑक्सीजन नहीं था, मास्क नहीं था, टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर्स नहीं थे, स्टेथोस्कोप नहीं थे, बीपी अपरेटर्स नहीं थे, शुगर चेक करने की मशीन्स नहीं थी। अगर किसी की मृत्यु होती है तो कोविड पॉजिटिव वालों को ढकने के लिए जो हमको कवर चाहिए, बैग्स चाहिए, बैग्स नहीं थे, हाथ में ग्लव्स नहीं थे। आंगनबाड़ी सेविकाएँ, आशा वर्कर और जो शिक्षक घर घर जाकर जो होम क्वारंटाइन लोगों को चेक कर रहे थे, उनको जांचने के लिए उनको जो पीपी किट चाहिए वो पीपी किट नहीं थी और ये तमाम सुविधाएं डॉक्टरों के पास भी नहीं थी और इसलिए सारी चीज़ें देने का हमने प्रयास किया। मैं दुर्भाग्य कह सकता हूँ इस बात का कि प्रशासन की परिस्थिति में जो एक सिस्टम डला हुआ है, उस सिस्टम को बदलने की बहुत आवश्यकता है। जब किसी पैंडेमिक में विभाग के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से और सरकारी रुग्णालयों को मदद जा रही है, तो उसके अंदर इतनी लंबी प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं थी। टेंडर है, चेकिंग है, ये है, इसको करते करते जितना समय लगा, मुझे खेद है इस बात का कि वहाँ तक वो सुविधाएं उस समय नहीं जा सकी। ये अगर एक महीना पहले जाती, दो महीना पहले जाती तो ये और ज़्यादा उपयुक्त होती, इसका हमें खेद है। पर इसके बाद की खुशी हमको है कि इसके जाने के बाद अब तीसरी लहर के लिए या आने वाले सारी परिस्थिति के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोरोना अब हमारे साथ रहेगा, तो ये भी है कि आरोग्य व्यवस्था भी चुस्त रहनी चाहिए,
दुरुस्त रहनी चाहिए, इसका प्रयास हमने इस माध्यम से किया है। आज इस जो सामग्री का वितरण करने जा रहे हो, ये सामग्री लेने के लिए खासतौर पर कौन आ रहे हैं और कितना निधि से ये खर्चा हुआ है? देखिए 50 लाख के ऊपर का खर्चा यहाँ पर हुआ है जी, जिसमें सावनेर क्षेत्र के लिए हमने जो 10 लाख रुपए दिए उसका इस यादी में समावेश नहीं है क्योंकि वो बाद में जाएगा, पर 50 लाख का यहाँ पर साहित्य वितरण आज हो रहा है आज के तारीख में, जिसका एक छोटा स्वरूप यहाँ पर रखा हुआ है। ये केवल एक ही लॉट है, ऐसे करीब करीब 75% और इसके अंदर साहित्य जाना है। ये केवल एक झलक है क्योंकि इतना साहित्य यहाँ लाया नहीं जा सकता, वो डायरेक्ट CS के पास जाएगा। आज हम माननीय भवन गोयल जी, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे पूर्व पालक मंत्री, इनके नेतृत्व में ये साहित्य का वितरण आज हम लोगों को देंगे। माननीय हमारे पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष, हमारे ग्रामीण के नेता अशोक जी धोटे यहाँ पर हैं, हमारे महामंत्री जी यहाँ पर हैं और ये सब लोगों के साथ हम मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप थे विधायक गिरीश राज, जिन्होंने बखबर बेपो के साथ बात करते हुए ये बताया कि तहसील के अंतर्गत आने वाले 10 गांव को 50 लाख के आसपास कोरोना की सामग्री जो है, दवाइयां जो है, वो सब वितरित करने का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है और इसका लाभ यकीनन उन मरीजों तक पहुंचेगा और सभी लोग अपने प्रिकॉशन ले, मास्क लगाए हैं, हाथों को सैनिटाइज़र करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और ये जो सामग्री आपको मिल रही है इसका अच्छे से उपयोग करें। इसके लिए चाहे तहसीलदार हो या फिर कोई मेडिकल अफसर हो, ये पूरी जनता का ध्यान रखेंगे, ऐसी आशाएं कुछ यहाँ व्यक्त की गई है। और ख़ास बात यह है कि विधायक निधि से ये जो खर्चा किया गया है, इस तरह से और भी शहर के जो विधायक है उन्होंने भी ऐसे सोचा, अगर इसके ऊपर में नक्शे कदम पे चले तो यकीनन उस देश के नागरिकों का भी भला होगा, जो मरीज कोरोना की बीमारी से जूझ रहे उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रजवाड़ा पैलेस से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।